हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है और अब आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या ये दांत निकाल दिया जाएगा या फिर इसको ठीक भी किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। व्यूअर्स, ऐसी स्थिति में जहां पर कैविटी हो जाती है और जहां सेंसिटिविटी भी आ चुकी है, आपको खाने पीने में कोई चीज़ लग रही है, दिक्कत लग रही है, सूजन भी आ गई है, तो ऐसे में सबसे पहले तो उस दांत का एक्सरे कराया जाएगा और एक्सरे कराने पर यह देखा जाएगा कि जो कैविटी है वो कहां तक पहुंच चुकी है, क्या उसको फिलिंग करके ठीक किया जा सकता है या फिर उसमें आरसीटी की जरूरत है। आरसीटी तब कराने की जरूरत पड़ेगी जब वो कैविटी इतनी डीप हो चुकी है कि वो नीचे जो पल्प चैम्बर होता है वहां तक पहुंच गई हो। तो ऐसे में ये बहुत जानना जरूरी है कि आपके दांत की स्थिति क्या है। उसके बाद ये दो ऑप्शन आपके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि दांत को उखाड़ ही देना है, दोनों स्थितियों से दांत को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, कैविटी को फिल कराकर और आरसीटी के द्वारा। तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से मिले और वो आपकी कंडीशन देखकर दांत की एक्सरे के बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या होना है। तो डरिए मत, अगर ऐसा कुछ है तो नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए एंड आई होप अब आप एक अच्छा और बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।